ऑफिशियल डिलीवरी शुरू होने से पहले ही XUV700 के कई सारे एक्सीडेंट सामने आ चुके हैं फ्रीडम ड्राइव के दौरान। लेकिन जब XUV700 लॉन्च हुई थी तो इसके प्लास्टिक फाइबर टेल गेट को लेकर काफ़ी सारी बातें सामने आई थी कि क्या ये प्लास्टिक टेल गेट थर्ड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स को सेफ रख सकता है। इतने सारे एक्सीडेंट को देखने के बाद तो यही लगता है कि XUV700 जो प्लास्टिक टेल गेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है मेटल के टेल गेट से। क्योंकि कुछ टाइम पहले दो बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, एक तो हुंडई क्रेटा का हुआ है जो कि XUV700 के पीछे से हिट किया है, और दूसरा हुआ था फोर्स एम्बुलेंस ने XUV700 को पीछे से हिट किया था। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि जो फोर्स एम्बुलेंस थी उसका कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है आगे से, क्योंकि फोर्स ट्रैवलर को एज ए एम्बुलेंस यूज़ किया जा रहा था, जिसके आप सामने बोनट पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेंट आए हैं। महिंद्रा XUV700 का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डिलीवरी शुरू होने से पहले ही XUV700 के मल्टीपल एक्सीडेंट्स हम देख चुके हैं। लेकिन महिंद्रा ने एक होम क्रैश टेस्ट किया था XUV700 के लॉन्च होने से पहले, जिसके अंदर बताया गया था कि XUV700 के अंदर कितनी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है। लेकिन ये क्रैश टेस्ट होम किया गया था, मतलब कि और किसी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP के द्वारा नहीं कराया गया था। आप सभी इमेजेस में देख सकते हैं कि जो फोर्स एम्बुलेंस है उसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है XUV700 के। देखें, आप सभी इमेजेस में देख सकते हैं कि XUV700 का जो टेल गेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इसकी लास्ट जो विंड स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो गई है। और वहीं अगर हम फोर्स एम्बुलेंस को देखें तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इसका बोनट है और जो ड्राइवर साइड जिसका टायर पूरी तरह टेढ़ा हो चुका है और बेकार हो चुका है, मतलब कि फोर्स ट्रैवलर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहीं एक एक्सीडेंट और हुआ था हुंडई क्रेटा का और XUV700 का, जिसने हुंडई क्रेटा ने XUV700 को पीछे से हिट किया था। लेकिन XUV700 के पीछे से हिट करने के बाद जो रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करते हैं, क्योंकि XUV700 का जो रियर से बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं अगर हम हुंडई क्रेटा को देखें तो उसका जो पूरा बोनट है वो ख़राब हो चुका है, बम्पर्स पूरी तरीके से निकल चुके हैं, क्योंकि हुंडई क्रेटा का बोनट, बम्पर, हेडलाइट सब कुछ पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। लेकिन XUV700 पर माइनर डेंट आए हैं टेल गेट पर, क्योंकि XUV700 में बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुंडई क्रेटा का काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी तक XUV700 का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है ग्लोबल NCAP में। लेकिन इन सभी एक्सीडेंट्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि XUV700 5 out of 5 स्टार क्रॉस करेगी, क्योंकि XUV700 और फोर्स एम्बुलेंस का एक्सीडेंट देखने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि XUV700 एक सेफेस्ट कार है जो महिंद्रा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया है। और एक एक्सीडेंट और सामने निकल के आया था, आप इमेजेस पे देख सकते हैं कि XUV700 को इस बार भी पीछे से हिट किया गया था, लेकिन ये हिट किसके द्वारा किया गया था अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है। लेकिन इसमें भी XUV700 को पीछे से हिट किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका प्लास्टिक टेलर काफ़ी हद तक पिचक चुका है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो उसका पीछे का शीशा है और विंड सील भी चटक गई है। और इन सभी एक्सीडेंट को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि XUV700 एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ लॉन्च होने वाली है। तो आप सभी ये सारे एक्सीडेंट देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि XUV700 जो प्लास्टिक टेल गेट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटल के टेल गेट से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।